नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना का कहर देश और दुनिया भर पर किस तरीके से जारी है ये सब जानते हैं। हालांकि अब चूंकि कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है, खबरें हैं कि देश में 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इन सबके बीच ब्रिटेन से जिस तरीके से नया स्ट्रेन निकलकर सामने आया उसको लेकर भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ कंपनीज कह रही हैं कि उनकी जो कोरोना वैक्सीन है वो इस नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी, जबकि कुछ कंपनीज कह रही हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है ये 70% ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा इफेक्टिव है, और ये खासकर अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये सबसे ज्यादा जकड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय कोरोना को लेकर बना हुआ है। 2021 में उम्मीद की जा रही थी कि वैक्सीन आ जाएगी और इस डेडली वायरस से हमें निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जापान में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, या मैं कहूं कि नया वेरिएंट पकड़ा गया है। जापान में बकायदा ऐसे 4 मामले भी सामने आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल ये लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, कहीं से इन्होंने फ्लाइट भरी थी, और जब ये एयरपोर्ट पर आए तो इनको क्वारंटीन किया गया, और क्वारंटीन के दौरान जब इनका टेस्ट किया गया तो इनमें एक अलग तरह का लक्षण पाया गया और उसको फिर कोरोना से कंपेयर किया गया। हालांकि अभी जांच ये चल रही है कि ये जो अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं जो पुराना कोरोना था उसके तरीके से ही है, या फिर ये और भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। बता दें आपको, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज यानी कि NIID ने कहा है कि अभी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि नया वेरिएंट तेजी से फैलता है या फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लेकर भी जांच चल रही है कि जो कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है वो इसको लेकर इफेक्टिव साबित होंगी या नहीं। आपको बता दें, जो 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जापान में इस नए वेरिएंट के, उनमें से एक में लक्षण नहीं थे, एक को सांस लेने की दिक्कत थी और एक को बुखार जैसा महसूस हो रहा था। तो कुल मिलाकर जो लक्षण सामने आए हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसा पुराना कोरोना था ऐसा ही ये भी है, लेकिन कितनी तेजी से फैलता है, किस तरह से पकड़ बनाए रखता है, इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, इसको लेकर स्टडी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इस नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और मास्क और 2 गज की दूरी, इसका आप जरूर ध्यान रखिए।